नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैंक पेंशन एडमिशन से संबंधित एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेट बैंक के पेंशनर्स द्वारा किया गया है, जिसमें कि फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पेंशनर्स, जिसको कि श्री उमेश शर्मा जी लीड कर रहे हैं, उसकी डेट आज 6 अगस्त 2024 को है। और दूसरा केस पेंशन अपडेशन का फेमस केस जो एमसी सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी डेट्स कल 7 और परसों 8 तारीख के लिए लिस्टेड हैं। इन दोनों केसेस का बैंक पेंशन अपडेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना लग रही है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट में जो एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा फाइल किया हुआ केस है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी मैंने कई बार ही बताया है कि एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन की जो फेडरेशन है, उसने जो केस दायर किया था, उसमें जो 40 से 50% पेंशन रेस्टोरेशन का मामला था एसबीआई के 17% पेंशनर्स का, उसमें एक पार्शियल डिसीजन हो गया था, जिसमें कि 10 नवंबर 2023 से 50% पेंशन रेस्टोर कर दी गई थी। लेकिन इसकी जो एनामली थी वो 1 मार्च 1999 से थी, और तब से ही वो एनामली करेक्ट होनी चाहिए थी। उसके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए अब फिर से एसबीआई की जो फेडरेशन है, उसने केस डाला है। साथ ही जीओपी द्वारा भी उसमें अपना सबमिशन दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट किया गया है। दूसरा मुद्दा उसमें पेंशन अपडेशन का भी है, जिसको कि पिछले जो डीएफएस की कमेटी थी उसने टाल दिया था, उसने कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें आईबीए ने ये कहा था कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा पूरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसको सेपरेटली डील होना चाहिए, और उस समय उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अब जब फिर से एसबीआई की फेडरेशन द्वारा और ग्रुप ऑफ पेंशनर्स द्वारा इस मामले को आगे ले जाया गया, तो उसकी डेट आज फिक्स हुई है, जिसमें कि डीएफएस और आईबीए की तरफ से सबमिशन होंगे या बैंक की तरफ से भी सबमिशन होंगे। तो जब रेस्पोंडेंट की तरफ से जो सबमिशन होंगे, उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। और साथ ही इसमें यदि पेंशन अपडेशन का मुद्दा भी कोर्ट आगे बढ़ाती है और उसको आईबीए यदि ऑब्जेक्शन भी फाइल करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईबीए के ऑब्जेक्शन को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसमें अपना फैसला सुनाएगी। अगर स्टेट बैंक के केस में पेंशन अपडेशन का फाइनलाइज हो जाता है और कोर्ट डायरेक्शंस दे देता है, ऑर्डर दे देता है, तो इससे न केवल स्टेट बैंक का मुद्दा पेंशन अपडेशन का हल होगा, बल्कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का मुद्दा पेंशन अपडेशन का हल होने की संभावना है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसका भी फैसला जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की जो हियरिंग होगी उस पर इस केस की भविष्य की डायरेक्शंस पता लगेगी। अगला जो केस कल और परसों सुनवाई के लिए लिस्टेड है, वो एमसी सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। दोस्तों, पिछले जो डेट थी 31 जुलाई और 1 अगस्त की, उस दौरान बेंच कोर्ट नंबर 9 के जो बेंच थी, उसमें ऑनरेबल जस्टिस मिस हिमा कोहली ड्यूटी पर थी, जिसकी वजह से वो बेंच उस दौरान नहीं लगी। और अब कल 7 और 8 तारीख को ये केस लिस्टेड है, और तो इसमें पूरी पूरी संभावना है कि कल इस केस की सुनवाई अवश्य होगी। और इस केस की सुनवाई की कल की डेट है, वो काफी क्रुशियल है। अगर आईबी और गवर्नमेंट ने कल अपना सबमिशन सबमिट कर दिया, तो इस केस में निर्णय भी जल्दी हो जाएगा। उम्मीद है कि ये केस अब रेगुलर हियरिंग पर है, हर हफ्ते लिस्टेड हो रहा है, तो जैसे जैसे ये
आगे बढ़ेगा, इसमें रेगुलर हियरिंग चलती रहेगी और केस का फैसला शायद इसी महीने होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जो जस्टिस जुमा कोहली हैं वो 1 सितंबर को रिटायर हो रही हैं। उम्मीद की जाती है कि वो रिटायरमेंट से पहले इस केस को फाइनलाइज कर देंगी, इसमें अपनी जजमेंट दे देंगी। दोस्तों इस तरह ये 6, 7 और 8 तीन डेट काफ़ी क्रिशल हैं और उम्मीद की जाती है कि इन डेट्स में जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा पिछले 30 सालों से लटका हुआ है वो एक नई दिशा की ओर जाएगा और आशा की जाती है कि इसमें जो भी निर्णय होगा वो बैंक पेंशनर्स के हित में होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जितने ज़्यादा लोगों में आप ये वीडियो शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और उनको भी कुछ जानकारी होगी। साथ ही अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए अपने कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।